सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ और एक बार फिर से मैं लौट आई हूं एक नई प्लेलिस्ट और उनसे जुड़े किस्से कहानियों को लेकर के। आज की मेरी प्लेलिस्ट उन बहनों के नाम है जिन्होंने हिंदी सिनेमा पर रूल किया है, जिनके गाने आज भी क्लासिक माने जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ मंगेशकर सिस्टर्स की, जो करियर के मामले में एक दूसरे पर कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी अपने बलबूते पर और अपनी इच्छा अनुसार जी है। लता दीदी और आशा ताई के इतने सालों के एक्सपीरियंस ने उन्हें खट्टी मीठी यादें दी हैं। आज इन्हीं यादों का पिटारा खोलूंगी मैं, लेकिन आइए पहले शो की शुरुआत करते हैं उस गाने से जो फॉरएवर क्लासिक रहा है, जो बना तो एक हॉरर फिल्म के लिए था लेकिन आज वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स में से एक है। वैसे ये गाना मदन जी ने कंपोज किया था और इस गाने को फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला जी ने रिजेक्ट कर दिया था। इस बात से मदन जी बहुत निराश हुए क्योंकि वो जानते थे कि ये गाना एक मेमोरेबल सॉन्ग बन सकता है। फिर उन्होंने फिल्म के स्टार मनोज कुमार जी को कॉन्टैक्ट किया, उन्हें गाना सुनाया और उन्हें रिक्वेस्ट की कि वो जाएं और जाकर के राज जी को मनाएं। फिर क्या था, मनोज कुमार जी जब इस गाने को लेकर के फिर से राज खोसला जी के पास गए तो राज जी मना कर ही नहीं पाए। इस गाने के सुपरहिट होने के बाद राज खोसला जी ने खुद कहा था कि अगर वो इस गाने को फिल्म में नहीं लेते तो कितनी बड़ी चूक हो जाती उनसे। ये गाना उस समय रिकॉर्ड हुआ और आज तक भी नए नए सिंगर्स इस गाने का वर्जन बनाते हैं, अपनी आवाज़ में रिक्रिएट करते हैं और उसी के साथ ये गाना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट रिक्रिएटेड सॉन्ग बन चुका है। मैं बात कर रही हूँ फिल्म वो कौन थी का गाना, लता जी की आवाज़ में लग जा गले।
शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज हम सिंगिंग सिबलिंग्स लता जी और आशा जी के बारे में बात कर रहे हैं और उन्हीं के गाने आपको सुना रहे हैं। ये गाने सारेगामा कारवां से हैं। आई होप आपको ये प्लेलिस्ट बड़ी पसंद आ रही हो। वैसे लता दीदी को आशा ताई पर बहुत गर्व रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आशा जी बहुत ही वर्सटाइल हैं और वो सब तरीके के गाने गा सकती हैं, वो गाने भी जो लता जी खुद नहीं गा सकती थी। इनफैक्ट वो भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं क्योंकि आशा जी ने उनका स्टाइल ऑफ सिंगिंग नहीं सीखा, वरना एक दूसरे के बहुत बड़े कंपटीशन बन जाते वो आज की तारीख में। आशा जी ने अपना नाम खुद बनाया, ना कि अपनी बड़ी बहन लता जी के स्टार्डम का इस्तेमाल किया। अपने हुनर से उन्होंने अपना मुकाम बनाया। वैसे अगर लता दीदी ज़्यादा रिजर्व रहती थी तो आशा ताई बहुत ही एक्स्ट्रोवर्ट थी, जिसके कारण आशा जी के इंडस्ट्री में कई दोस्त थे और कहीं ना कहीं उनके प्रोफेशनल डिफरेंसेस उनके पर्सनल लाइफ पर हावी होने लगे थे। एज अ प्लेबैक सिंगर आशा जी को ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और उसके कारण उनके और लता जी के बीच में कड़वाहट की दीवार बन गई। लेकिन हिंदी सिनेमा से एक ऐसा इंसान जिन्होंने इन दोनों के बीच की कड़वाहट को दूर किया तो वो थे पंचम दा। पंचम दा का दोनों ही बहनों के साथ अलग अलग रिश्ता था। लता दीदी ने कई हिट गाने गाए हैं पंचम दा के लिए, और आशा जी के साथ में तो उनका दिल का कनेक्शन था। वो जानते थे कि रिलेशनशिप बैलेंस कैसे करना चाहिए और किससे कैसा गाना गवाना चाहिए। अगर उन्होंने आशा ताई को पिया तू अब तो आजा दिया, तो लता जी को रहना बीती जाए और नाम गुम जाएगा टाइप के गाने दिए, जो कि आई वुड लाइक टू से कि आशा जी और लता जी दोनों के करियर के वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स साबित हुए। चलिए तो फिलहाल आशा ताई की आवाज़ में एक और एक ऐसा ही मस्त गाना सुनाती हूँ आपको। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ।
Love this episode? Offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama.
वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ और आज के इस एपिसोड में सिंगिंग सिबलिंग्स यानी कि लता दीदी और आशा ताई के हिट गाने आपको सुना रही हूं और उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे किस्से लेकर के आई हूं जो शायद आप नहीं जानते थे। एक इंसान जिनके कारण दो बहनों के रिश्ते में आग लग गई थी वो थे आशा ताई के पहले हस्बैंड गणपत राव जी। ये तो आप जानते ही होंगे कि आशा जी ने अपने से दुगने उम्र के आदमी से शादी की थी जो कि थे गणपत राव जी। हुआ कुछ ऐसा था कि गणपत राव उस समय लता जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनका काम मैनेज करते थे और कुछ तो यूं प्यार बढ़ा आशा ताई और गणपत राव जी के बीच में कि इन दोनों ने अपने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ जाकर भाग कर शादी की। उस दौरान आशा जी के पास सिर्फ उनके पति का ही सहारा था और वो भी वक्त के साथ छूटता चला जा रहा था। वो टाइम आशा जी के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका था। 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी वो और लता दीदी उस दौरान की बेस्ट सिंगर बन चुकी थी। लता दीदी की कामयाबी और पॉपुलैरिटी गणपत राव को खाने लगी थी क्योंकि उस वजह से आशा जी को ज़्यादा काम नहीं मिल रहा था। गणपत राव वैसे ही बहुत लालची किस्म के इंसान थे और चाहते थे कि आशा जी ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। इनफैक्ट 1950s के दौरान वो उन्हें पैसे के लिए काफ़ी तंग भी करते थे और लता जी से मिलने भी नहीं जाने देते थे। गाली गलौज, लड़ना झगड़ना ये दोनों के बीच रोज़ का हो चुका था और फिर एक दिन बस हो गया और आशा ताई ने गणपत राव जी को छोड़ दिया और ये आशा जी की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अपने करियर पर फोकस किया और हिट्स पे हिट्स देती चली गई और कहीं ना कहीं उनकी सक्सेस के पीछे हाथ था ओपी नैयर जी का, जिन्होंने क्या आपको पता है लता जी के साथ में एक भी गाना रिकॉर्ड नहीं किया और आशा जी उनकी फेवरेट सिंगर बन गई। क्यों ऐसा भेदभाव किया था ओपी नैयर जी ने दोनों बहनों के बीच, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले आगे बढ़ते हैं अगले गाने के साथ जो कि है अनामिका फिल्म से। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ। से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे, है ना।
I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ और लता दीदी आशा ताई के हिट गाने आप सुन रहे हैं आज के एपिसोड में। गोल्डन एरा में ओपी नैयर साहब एक लौते ऐसे कंपोजर रहे होंगे जिन्होंने अपना मुगाम बगैर लता मंगेशकर जी के साथ काम किए हासिल किया। उन्हें लगता था कि उनकी आवाज़ बड़ी मीठी तो है लेकिन अपनी पॉपुलैरिटी को लेकर के काफ़ी घमंड भी है, इसीलिए उन्होंने लता जी के साथ कभी काम नहीं किया और आशा ताई के साथ खूब काम किया। ओपी नैयर साहब ने आशा जी का करियर पूरी तरह से बदल दिया। इनफैक्ट उस टाइम उन्होंने चैलेंज भी किया था कि वो आशा जी को ऐसा बना देंगे कि वो लता दीदी के टक्कर में आ जाए। वैसे तो आप जानते ही हैं कि इन सब के कारण आशा ताई और लता दीदी में काफ़ी दूरियाँ भी आ गई थी, लेकिन एक इंटरव्यू में नैयर साहब ने खुलासा भी किया था कि आशा ताई और लता जी के बीच में दूरियां सिर्फ उनके कारण नहीं आई थी बल्कि एक नौकरानी के कारण भी आई थी।
इन दोनों का घर आमने सामने था और वो एक ही नौकरानी थी जो कि इन दोनों के घर में काम किया करती थी और यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ करती थी। आशा जी ने कौन सा गाना किसके साथ रिकॉर्ड किया ये जाकर के लता जी को बताती थी और लता दीदी को कितना काम मिल रहा है इंडस्ट्री में इसमें भी नमक मिर्ची ऐड करके आशा ताई को बताती थी। दोनों के बीच में ये जो जलन है ये उठने लगी थी और इसका मज़ा एक वो मामूली सी नौकरानी ले रही थी। लेकिन ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। समय के साथ में लता जी और आशा जी ये दोनों ही समझने लगे कि इन दोनों का गाना गाने का तरीका काफ़ी अलग है, जिन लोगों के साथ ये काम करते हैं वो भी अलग है और इसीलिए धीरे धीरे इन दोनों के बीच की ये जो राइवलरी थी ये ख़त्म होने लगी। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि आशा ताई के फेमस होने के बाद लता जी को कम काम मिलने लगा था जिसके कारण लता जी धीरे धीरे अकेले पड़ने लगी थी। और फिर क्या, अपनी बहन अपने परिवार का ही सहारा लेगा ना इंसान। तो उन्होंने आशा जी के साथ में सारी जो कड़वाहट थी उसे कम किया, दूर किया और फिर से इस खट्टे मीठे रिश्ते को आगे बढ़ाया। बताऊंगी आपको कुछ और इन्हीं के इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। नमक हलाल फिल्म से है आशा ताई की आवाज़ में ये गाना। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो मेरे आने रुचि के साथ। जवान जाने मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया। जवान जाने मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया। शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या जुल्म हुआ ये क्या गजब हुआ ये कैसे कब हुआ न जानू मैं न जाने वो। जवान जान मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवान निसार हो गया।
गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। वीकेंड क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप, ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ, और लता जी और आशा ताई की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से कहानियां मैं आपको सुना रही हूं। कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि कैसे लता जी और आशा ताई के बीच में जितनी भी डिफरेंसेस थे, प्रॉब्लम्स थे, वो थोड़े थोड़े करके कम होने लगे थे, दोनों एक दूसरे के फिर से करीब आने लगे थे, और इन दोनों को फाइनली जाकर के अगर किसी ने मिलवाया तो वो इनके ही परिवार के, इनके ही छोटे भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी थे। हुआ यूं था कि पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने म्यूजिक इंडस्ट्री के महान लोगों को अवार्ड से सम्मानित करना चाहा। तो इस अवार्ड फंक्शन में सबसे पहले लता जी ने अवार्ड रिसीव किया सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी से, और अगले साल इसी अवार्ड फंक्शन में आशा ताई को सम्मानित किया गया बाय नन अदर देन लता दीदी, जिसे लेने के बाद आशा जी ने खुद कहा
कि इट इज़ द अवार्ड नेम्ड आफ्टर माई ब्रदर एंड प्रेजेंटेड बाई माई एल्डर सिस्टर। मेरे भाई के नाम पर यह अवार्ड है और मेरी बड़ी बहन से मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। दुनिया के सारे बाकी अवार्ड्स, सारा पैसा एक तरफ और ये फीलिंग एक तरफ। आशा ताई के इस स्टेटमेंट के बाद ये तो साबित हो ही गया था कि परिवार वालों में अगर कोई ऊंच नीच होती भी है तो वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाती। काम के चलते, पैसों के चलते, लोगों के चलते, किसी भी कारण से इन दोनों के बीच में चाहे एक समय पर परेशानियाँ ज़रूर आई थीं, लेकिन आज की तारीख में इन दोनों का रिश्ता अटूट है। चलिए आई, घर बार की बात हो रही है तो घर फिल्म से ही आपको अगला गाना सुनाती हूँ मैं, लता दीदी की आवाज़ में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ। रेशमी
इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। Enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ. मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ.